Good morning students, welcome you all in online classes by St. Angel's Public School. Today we are going to discuss about digestion of food, means bhojan ka pachan. Last time humne food, health, food mein paaye jane wale components ke baare mein padha tha. Aaj hum bhojan ka pachan ke baare mein padhne ja rahe hain. So let's start. The food which we eat is broken down into smaller substance which can be absorbed by the body to release energy. Food जो हम खाते हैं वो छोटे छोटे और आसान टुकड़ों में टूट जाता है और हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या सोख लिया जाता है और एनर्जी को रिलीज कर देता है. This process is called digestion. इस प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है. The process of digestion starts in the mouth and ends at anus, where the indigested food is thrown out the body. Digestion एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो मुंह से स्टार्ट होती है, यानी आपके माउथ से स्टार्ट होती है और आपके एनस तक खत्म हो जाती है, जहां पर अपचा खाना आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है. The digestion of food starts in the mouth. भोजन का पाचन माउथ में शुरू हो जाता है. The teeth chew the food and saliva get mixed with the food. दांत भोजन को चबाते हैं और भोजन में saliva को मिक्स कर देते हैं. Saliva आपके माउथ में लार होती है जो खाने में मिल जाती है. This food then enters the stomach through the food pipe. उसके बाद ये food pipe है. ये food pipe stomach से connected होता है और भोजन food pipe के through आपके stomach में चला जाता है. In stomach, digestive juices get mixed with the food and break down the food into smaller and smaller particles. Stomach में पाचक रस इसमें खाने में मिल जाते हैं और खाना छोटे छोटे टुकड़ों में और बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाता है. द फूड देन रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन. भोजन इसके बाद छोटी आंत में पहुंच जाता है, जो आपको ये बीच में दिखाई दे रहा है. दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. तो खाना स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है. इन स्मॉल इंटेस्टाइन More digestive juices get mixed with food. छोटी आंत में और ज्यादा पाचक रस भोजन में मिल जाते हैं. The digested food is absorbed by the small intestine and undigested food is passed to large intestine. उसके बाद पचा हुआ खाना छोटी आंत के द्वारा सोख लिया जाता है और अपचा खाना लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में गुजर जाता है. अनडाइजेस्टेड फूड कम्स आउट एट फेसेस थ्रू एनस. उसके बाद अपचा खाना एनस तक फेस होता है. द वेस्ट वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड वेस्ट. उसके बाद वेस्ट वाटर यूरिन और व्यर्थ पदार्थों के रूप में शरीर से बाहर आ जाता है. इफ द होल फूड कैनल इज स्ट्रेच्ड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन इट वुड बी अबाउट 10 मीटर्स लॉन्ग. यदि आपके पूरे फूड कैनल को एक सीधी लाइन में खींच दिया जाए तो ये लगभग 10 मीटर लंबी हो जाएगी. गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन. प्रॉपर डाइजेशन के लिए गुड ईटिंग हैबिट्स. हैव यू फूड एट फिक्स्ड आवर्स. फिक्स्ड आवर्स में आपको फूड लेना चाहिए. ऑलवेज ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड. हमेशा स्वस्थ और ताजा खाना खाएं. ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड. हमेशा खाने से पहले और खाने के बाद हाथों को धोएं. ईट
लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फल और सब्जियों को, हरे सब्जियों और फलों को ज़्यादा खाएं। ईट स्लोली एंड च्यू एंड फूड प्रॉपरली, भोजन धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबाकर खाएं। रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग सो दैट फूड पार्टिकल्स डू नॉट स्टिक इन बिटवीन द टीथ। खाने के बाद कुल्ला करें जिससे फूड पार्टिकल्स आपके दांतों के बीच ना चिपके। डू नॉट ओवर ईट, ज़्यादा ना खाएं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, प्रचुर मात्रा में पानी पिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टाइम वी विल रीड प्रिकॉशंस व्हाइल कुकिंग फूड। सो दिस वॉज फॉर टूडे। थैंक यू।